हेलो दोस्तों, तो आज हम एक ऐसा शानदार गेम सीखने वाले हैं जिसका नाम है गो गेम। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल। हम करते रहते हैं नए नए गेम्स की अनबॉक्सिंग। चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही आसान तरीके से गो गेम को सीखने वाले हैं और ये ऐसे चुटकियों में समझ में आएगा ये गेम। और ये वैसे तो बड़ा हार्ड गेम है, लेकिन आज हम इसको इतनी अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं ना कि ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्या क्या चीज़ आती है गो गेम के अंदर? तो गो गेम के अंदर हमको एक बोर्ड मिलता है और हमें मिलते हैं वाइट कलर के पॉन्स और ब्लैक कलर के पॉन्स। तो ये जो दोनों पॉन्स हैं, ये 182 है, जिन्हें हम हमारी आम भाषा में गोटी भी कह सकते हैं, इनको स्टोन्स भी कह सकते हैं। और हमें मिलता है इसमें एक मैनुअल। और ये गेम में बस इतनी कम चीज़ें हैं, इसीलिए ये गेम इतना ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि इतनी सारी जो गोटियाँ हैं, मतलब ये पॉन्स हैं, इनसे खेलेंगे कैसे? तो ये 19x19 का है, मतलब 19 इस तरीके से हैं और 19 इसी तरीके से हैं। तो टोटल जो स्क्वायर हैं इसके अंदर, वो 361 है। लेकिन अभी हम इसको बिगनर की तरह इस गेम को खेलेंगे, तो इसलिए इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पे ये 10x10 का भी दिया हुआ है और आज हम इसी के अंदर खेलेंगे। तो गो गेम एक टू प्लेयर गेम है, तो गो गेम को सीखने के लिए कुछ चीज़ें हमको आनी चाहिए। इसके अंदर आपको ये स्क्वायर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इस गेम में जो सबसे पहले जो पॉन्स चले जाते हैं, वो ब्लैक पॉन्स चले जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि ब्लैक पॉन मिलेंगे किसको। तो ब्लैक पॉन का चुनने का इसमें एक तरीका है। यदि हमको पता है कि एक प्लेयर इसमें से वीक है और एक प्लेयर स्ट्रांग है खेलने वाला, तो गेम को मज़ेदार बनाए रखने के लिए इस गेम में जो हम वीक प्लेयर हैं उसको ब्लैक पॉन्स देते हैं, जो स्ट्रांग प्लेयर होता है वो व्हाइट पॉन लेता है। गेम को हम इक्वलिटी का भी गेम बना सकते हैं। दोनों प्लेयर बराबर के हैं तो जो भी प्लेयर व्हाइट पॉन्स लेगा उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। वो कितने मिलेंगे वो अलग अलग है। जैसे 7.5 पॉइंट मिलते हैं व्हाइट पॉन्स वाले को एक्स्ट्रा। तो गो गेम के बोर्ड को समझना बहुत ही आसान है। जो इस पे स्क्वायर बने हुए हैं मिडिल में, तो इस पे जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सबको बोलते हैं मिडिल इंटरसेक्शन पॉइंट। और जो ये साइड लाइन पे बने हुए हैं, इनको हम बोलते हैं साइड लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट। और जो ये चार कॉर्नर है, 1, 2, 3, 4, इनको बोलते हैं कॉर्नर इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस गेम का ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपोनेंट्स के जो पॉन्स हैं उनको कब्जा करना होता है, उन्हें अपने पास लेके आना पड़ता है, जैसे कि हम चेस वगैरह में करते हैं। और दूसरा, इसमें हमको हमारी टेरिटरी बनानी पड़ती है। और दोनों ही चीज़ों के हमें पॉइंट्स मिलते हैं, तो लास्ट में इन दोनों चीज़ों के पॉइंट्स प्लस होने वाले हैं। तो हमें इस बोर्ड पे जो ये मोटे मोटे पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, इनको बोलते हैं हम हैंडीकैप पॉइंट्स। तो गो गेम को सीखने के लिए आपको 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक इसके अंदर होती है लिबर्टी, दूसरा होता है कैप्चर करना, और तीसरा होता है टेरिटरी बनाना। तो अब हम सीखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिबर्टी क्या होता है। तो अब अगर हम बात करें इस व्हाइट वाला जो पॉन्स है, इसकी लिबर्टी क्या क्या है, तो इसकी लिबर्टी है 4, क्योंकि ये मिडिल इंटरसेक्शन पॉइंट पे, 1, 2, ये 3 और ये 4, ये चारों इसकी लिबर्टी है। और यदि मैं बात करूँ ये साइड वाली लाइन की, तो इसकी लिबर्टी कौन कौन सी है, 1, 2, 3। अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूँ, तो इसकी लिबर्टी है 2, 1 और 2। दूसरी चीज आती है इस गेम के अंदर, वो है कैप्चर करना। तो यदि किसी भी अपोनेंट्स ने किसी के भी लिबर्टी पे कब्जा कर लिया, तो वो फिर वो कैप्चर हो जाएगा। जैसे हम इसको भी देखते हैं कि ये कॉर्नर है, कॉर्नर की लिबर्टी क्या है, ये एक लिबर्टी, ये इसकी दूसरी लिबर्टी। अगर मान लो ब्लैक पॉन्स ने कब्जा कर लिया, तो अब ये जो व्हाइट वाला है ना, ये कैद हो गया, मतलब कैप्चर हो गया, तो इसे जो ये ब्लैक वाला रख लेगा। तो इस तरीके से इस गेम में चलता है। और यदि मान लेते हैं हम कि अगर ये साइड लाइन पे होता, तो फिर ब्लैक पॉन्स को इसको यदि कैप्चर करना होता, तो उसको तीनों तरफ से इसको घेरना होता, तीनों लाइन की साइड से। आप देख रहे हो इसको, तीनों लाइन की साइड से इसको घेरना होता। और यदि जो व्हाइट पॉन यदि कहीं मिडिल में होता, तो फिर यदि ब्लैक को इसको घेरना है, इसको कैप्चर करना है, तो उसको इसके जो चारों इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पे उसको घेरना पड़ेगा, तब जाके ये व्हाइट वाला कैप्चर होगा और इसको ब्लैक वाला रख लेगा। प्लेयर्स को एक दूसरे के ये जो पॉन्स है ये कैप्चर करने होते हैं, और जैसे ही उसका ध्यान हटता है, तुरंत वो कैप्चर हो जाता है अपोनेंट के थ्रू। तीसरी जो चीज़ है वो है टेरिटरी। तो टेरिटरी क्या होती है, जिस इंटरसेक्शन पॉइंट को कोई घेर लेता है कोई प्लेयर, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट उसकी टेरिटरी हो जाता है। यहाँ पे भी ब्लैक पॉन्स ने ये जो है अपनी टेरिटरी बनाई हुई है, 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स की टेरिटरी। ऐसी भी बन सकती है कि अब ये देखो ब्लैक ने इसको सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स को घेरा हुआ है, तो अब इसकी टेरिटरी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से टेरिटरी काउंट होती है। तो अब बाकी अब जो है हम वो गेम में समझेंगे, और भी जो हार्ड रूल है और जो अलग तरीके के रूल्स हैं, वो भी हम सारे गेम में कवर करेंगे। लेकिन आपको बस ये 3 चीज़ें आना जरूरी थी। तो अब हम गेम को खेलना शुरू करते हैं। अब हमारे यहाँ पे जो ब्लैक वाला है वो वीक प्लेयर है, और व्हाइट वाला है जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तो हम उसको हैंडीकैप पॉइंट्स देंगे।
तो इस गेम में टर्म्स होती है हैंडीकैप। तो आपको ये जैसे पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसको कितना एडवांटेज देना है। तो हम ब्लैक वाले को दो पॉन्स का एडवांटेज दे रहे हैं कि वो दो पॉन्स रख सकता है। अब वो दो पॉन्स कहाँ कहाँ रख सकता है, एक यहाँ रख सकता है या फिर एक यहाँ रख सकता है या फिर इन दोनों पे रख सकता है, वो कोई से भी रख सकता है। तो गेम शुरू करते हैं, प्लेयर टू। जो ब्लैक वाला है इसने व्हाइट वाले एक पॉन्स को कैप्चर कर लिया है इस तरीके से। अब ये जो व्हाइट पॉन है ये ब्लैक वाले के पास चला जाएगा और ये लास्ट में उसको पॉइंट्स में काम आएगा। इसमें कोई एडवांटेज नहीं मिलता चलने करने का, एक के बाद एक ही चलते हैं। तो ये कॉर्नर वाला है, इसकी दो लिबर्टीज थी तो दोनों पे ब्लैक आ गया, तो व्हाइट पॉन्स फिर से ब्लैक के पास चला गया। जो एक पॉन की लिबर्टी होती है वो तो जैसे मिडिल वाले के लिए चार होती है, लेकिन अब ये दो पॉन्स एक साथ हैं, मतलब अटैच पॉन्स हैं ये, तो इनकी जो लिबर्टी होगी वो बढ़ जाएगी। वो बढ़ कैसे जाएगी, तो अब इनकी एक साथ लिबर्टी काउंट की जाएगी। तो इस वाले जो वाइट पॉन है इसकी लिबर्टी है एक दो तीन और ये चार, तो चार पे तो वाइट है ये, तो तीनों तरफ से ब्लैक ने घिरा हुआ है। ऐसी इस वाले जो वाइट पॉन है जो ऊपर वाला, इसकी जो लिबर्टी है एक दो तीन, इस पे तीनों पे ब्लैक आ गए हैं और एक पे वाइट ऑलरेडी है। तो इस तरीके से भी कैप्चर किया जा सकता है यदि एक से ज़्यादा पॉन है। तो अब इसको हम और भी समझ सकते हैं, ये देखिए कि यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें ये वाइट पॉन्स है, तो वाइट पॉन्स ने भी घेर रखा है ब्लैक पॉन्स को, लेकिन ये सारे जो ब्लैक पॉन्स है ये इंटरकनेक्ट नहीं है एक दूसरे से, तो इसलिए इंटरकनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी इसकी लिबर्टीज़ हैं ब्लैक वाले की, उन पे सब पे कब्जा हो गया है। उसको जो टेरिटरी होती है वो अब ये व्हाइट वाले की टेरिटरी बन गई है। जो टेरिटरी डिसाइड होती है वो लास्ट गेम जब खत्म हो जाता है ना तब डिसाइड होती है। तो हालांकि अभी ये टेरिटरी है होने को व्हाइट की, लेकिन अभी कोई पता नहीं है ना गेम चल रहा है क्या होगा क्या नहीं होने वाला है, तो इसलिए अभी गेम चालू है। तो अब देखिए इस गेम में सिचुएशन एक बन गई है कि जो इधर वाली जो व्हाइट पॉन्स है इसने ये सारे ब्लैक पॉन्स को घेरा हुआ है, लेकिन अभी भी ये एक पॉन्स की जगह खाली है। देखो इसको तो यूँ देखो, तो इनको तो मैं ऐसे खा गया, अगर इसको देखो तो ये इसको यूँ खा गया मैं। तो ये वाइट कैप्चर हो गया है। तो दोस्तों इस वाली कंडीशन को बोलते हैं अब कैप्चर रिकैप्चर कंडीशन। तो इसको खेलते कैसे हैं, तो देखिए आप वापस से ब्लैक पॉन ने कैप्चर कर लिया है। तो ये थी कैप्चर रिकैप्चर कंडीशन। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे ये ब्लैक वाले ने एक आइस बना दी है, तो किसी एक पॉइंट को चारों तरफ से घेर लिया है। अब इस पे यदि मान लो व्हाइट वाला रखने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही कैप्चर हो जाएगा। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या है, इसका एक ही सॉल्यूशन बनता है कि जो अपोनेंट प्लेयर होता है उसको उसको चारों तरफ से घेरना पड़ता है, वो तभी इसके ऊपर कब्जा कर सकता है। तो इसको बोलते हैं वन आई कंडीशन। तो अब ये है डबल आइज। डबल आइज कैसे हो गया, एक आई ये है और एक आई ये है। अगर मान लो अब व्हाइट पॉन इसको घेर भी लेना चारों तरफ से तो भी ब्लैक पॉन्स को नहीं हटा सकता, क्योंकि इसके अंदर ये डबल आई कॉन्सेप्ट बन गया है। क्योंकि लास्ट में उसको फिर ये पॉइंट बंद करना पड़ेगा व्हाइट वाले को, तो अगर वो एक को बंद करेगा तो वो दूसरा वाला बंद नहीं कर पाएगा और दोनों वो एक साथ बंद कर नहीं सकता। तो इसलिए डबल आई कंडीशन होती है, ब्लैक के पॉन से ही कभी हम हटा ही नहीं सकते, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। दोस्तों अब ये देखिए आप यहाँ पे ब्लैक वाला पॉन्स को नहीं चल सकता, क्योंकि अभी अभी हमने ये ब्लैक पॉन्स को हटाया है। अब उसे कहीं एक जगह चल के फिर वो तभी इस जगह चल सकता है। तो ये वापस से कैप्चर रिकैप्चर वाली कंडीशन हो गई। दोस्तों अब इस गेम के अंदर ब्लैक वाला अपनी दो पॉन्स को नहीं बचा सकता है। तो अब प्लेयर टू को कुछ भी चलने को नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, फिर पास करेगा। तो पास करने का इसमें तरीका क्या होता है कि अपना एक पॉन आपको सामने वाले प्लेयर को देना पड़ेगा। अब मेरे पास मौका है, अगर मैं भी पास कर दूंगा अपना एक पॉन देके, तो फिर ये गेम ख़त्म हो जाएगा। और यदि मुझे लग रहा है कि नहीं अभी मैं इस गेम को ख़त्म नहीं करना चाहता, मैं कुछ और मेरी टेरिटरीज है जो बनाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अभी ये जो टेरिटरीज है अभी किसी की नहीं बन रही है, तो मैं जैसे इसको बनाना चाहूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर ये पॉन्स रख दिया, तो इस तरीके से ये मेरी टेरिटरी बन गई। तो लेकिन अभी भी सामने वाला प्लेयर चाह रहा है कि नहीं उसको तो पास करना है, तो फिर वो पास कैसे करेगा, उसको फिर पॉन्स देना पड़ेगा। तो जितने पास करेगा उतने ही उसको पॉन्स देने पड़ेंगे। लेकिन अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं चल सकता हूँ इस गेम के अंदर, तो मैं भी क्या है पास कर देता हूँ। तो मुझे पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
ये इस तरीके से अपना एक पॉन्स उसको देना पड़ेगा सामने वाले प्लेयर को। तो अब ये गेम यहीं खत्म हो गया है। तो अब इस गेम में जो पॉइंट्स काउंट होते हैं वो पॉइंट्स काउंट होते हैं टेरिटरीज के और कैप्चर के। तो वाइट के पास में जो टेरिटरी पॉइंट है वो है 20। सबसे पहले हम टेरिटरीज के पॉइंट देखते हैं। तो वाइट की टेरिटरीज है 20। अगर ब्लैक की बात करते हैं तो 11 है ब्लैक की टेरिटरीज। और ब्लैक के देखो पॉइंट्स ये कई सारे रखे हुए हैं पॉन्स, तो लेकिन पॉइंट नहीं बने। तो टेरिटरी इसी को कहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट छोड़ के टेरिटरी बनानी है। 16 कैप्चर किए हैं ब्लैक ने और 25 कैप्चर किए हैं वाइट ने। स्कोर हो गया है यहाँ 45 हो गया है वाइट का और ब्लैक का हो गया है 27। चूँकि गेम में वाइट पॉन्स को डिसएडवांटेज मिलता है बाद में चलने का, तो इसलिए उसको 7.5 जो पॉइंट्स हम एक्स्ट्रा मिलेंगे इस गेम के अंदर, और वो अलग अलग गेम में अलग अलग होते हैं। तो अभी हम इस वाले गेम में उसको 7.5 पॉइंट एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो वाइट पॉन्स का जो प्लेयर है उसका जो स्कोर हो जाएगा वो 52.5 हो जाएगा, और जो ये P2 का स्कोर है वो 27 हो जाएगा, और P2 इस गेम को हार जाएगा। तो दोस्तों आपको गो गेम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद है तो दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।